सीएम साहब को ज्यादा लगा दे मैडम, सील दे दीजिए, सील दे दीजिए। सबको लगवाना है, जिन्हें अभी नहीं लगवाना है। सभी बच्चे हैं जिनको वैक्सीनेशन यहाँ पर हुआ है। सर को दे, टेबल पलट जाएगी। और एक कहीं कहीं कांग्रेस मुख्यमंत्री लोकप्रिय में जो सेल्फी सेंटर है वहाँ सेल्फी और जो सेल्फी मीडिया और हमारे अतिथि उन बच्चों के साथ जिन्हें वैक्सीनेशन इसके बाद में मुख्यमंत्री तो बच्चे वैक्सीनेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनके हाथों में ब्लेसिंग द चिल्ड्रन फॉर द वैक्सीनेशन आज निःशुल्क टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया, जिसमें 15 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे लाभान्वित होंगे। इस समय उन बच्चों के साथ उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किए जा चुके हैं, प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं टीकाकरण के। उनके साथ एक फोटोग्राफ करवाते हैं और उसके बाद ये सीधे इस मंच पर हम सभी से जुड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह जी चौहान मंच पर पधार रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्री रामेश्वर शर्मा जी विधायक हुजूर विधानसभा क्षेत्र, श्रीमती कृष्णा गौर जी विधायक जीवनपुरा। अभी यहाँ से नहीं प्लीज। अब मैं स्वागत की परंपरा का निर्माण करने के लिए सबसे पहले निवेदन करूंगा श्री रामेश्वर शर्मा जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें पुष्पगुच्छ भेंट कर एवं श्रीमती कृष्णा गौर जी से भी निवेदन है वे भी स्वागत करें। स्वागत की इस परंपरा का निर्वाह करने के बाद अब बिना किसी औपचारिकता के मैं विनम्र निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह जी चौहान से कि वे आप सभी को संबोधित करें। नीलम बोलिए, भारत माता की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की और सभी भांजे भांजियों की। मुझे क्यों हिला रहा है, करना अपना काम। मेरे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुजूर के हमारे लोकप्रिय विधायक वरिष्ठ नेता आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, गोविंदपुरा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, विद्यालय परिवार के हमारे सभी गुरुजन, जिला प्रशासन के सभी साथी,
और मेरे प्यारे बेटा बेटियों, 15 साल से ज्यादा उम्र के कौन कौन है हाथ उठाओ, सभी हैं। अच्छा ये बताओ, वैक्सीन से डर किस किस को लग रहा है, वो हाथ उठाओ जिसको डर लग रहा है। डर लग रहा है तो डर किसी को नहीं लग रहा, बहादुर बच्चे हैं, कोई नहीं डर रहा और सब वैक्सीनेशन के लिए तैयार। एक बार ताली बजा के अपने प्रधानमंत्री जी का भी स्वागत करें, उन्होंने वैक्सीन उपलब्ध करवाई है हमें। हमारे वैज्ञानिकों का भी स्वागत करें, भारत ने रिकॉर्ड समय में कोविड की वैक्सीन बनाई है। 140 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए जा चुके हैं। पहले 18 साल से ऊपर की उम्र के जितने नौजवान थे, बुजुर्ग थे, युवा थे, उनको वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन आज से 15 से लेकर 18 साल के बेटा बेटियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कोविड की तीसरी लहर की आहट है। आज पूरे मध्य प्रदेश में 221 पॉजिटिव केस आए हैं, भोपाल में और इंदौर में, इंदौर में 110 है, भोपाल में 54 है, बाकी जिलों में भी केसेस आ रहे हैं, जबलपुर में, ग्वालियर में, उज्जैन में। कोविड की तीसरी लहर तो आ रही है, लेकिन हमको बहादुरी से और समझदारी से इसका मुकाबला करना है, करना है कि नहीं करना है? और मैं देख रहा हूं कि हमारे बहादुर भांजे भांजी बिल्कुल मास्क लगाए हुए हैं। ये मास्क अभी लगाया या वैसे भी लगा के रखते हो? अभी ये लगा के रखना है, क्योंकि मास्क सुरक्षा है। और मैं नहीं, दुनिया के सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, विशेषज्ञ ये कहते हैं कि ठीक ढंग से अगर मास्क लगा के रखें तो 90% तक कोविड के वायरस से हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो लड़ना तो है, आ तो रहा है, डरना नहीं है, लड़ना है, लेकिन संयम से, होश ना खोते हुए, अनावश्यक भीड़ से बचेंगे, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे। जब एक बात मेरे मन में है कि हम आर्थिक गतिविधियां ना रोकें, क्योंकि उससे रोजी रोटी, बिजनेस, व्यापार सब ठप हो जाता है, और एक मेरे बच्चों की पढ़ाई भी ना रुके। पढ़ाई चलनी चाहिए ना, क्योंकि 2 साल हमने ऑनलाइन पढ़ाई में भी हमने कोशिश की, लेकिन ऑनलाइन और स्कूल में आके पढ़ने में अंतर होता है, होता है कि नहीं होता? और इसलिए कोशिश ये है कि स्कूल भी खुले रहें, बाजार भी खुले रहें, आर्थिक गतिविधियां चलती रहे, लेकिन कोरोना की लहर का मुकाबला करके उसको भी हम हरा दें, पराजित कर दें। तो लड़ने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन लड़ने के लिए सुरक्षा चक्र चाहिए, और कोरोना से सबसे बड़ी सुरक्षा क्या है, जोर से बताओ ना, क्या है? वैक्सीन। और इसलिए मैं केवल सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बेटे बेटियों से नहीं, यहां से बोल के मैं पूरे प्रदेश के बेटा बेटियों को ये निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, मेरे प्रिय बच्चों, वैक्सीनेशन शुरू हो गया, 8,667 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए, वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है। और ये सभी बेटे बेटियों से मेरी अपील है,
कि वैक्सीन जरूर लगवा लेना। ये वैक्सीन सुरक्षा है हमारी। सारे विशेषज्ञ ये बताते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद जिनको दोनों डोज लग गए, एक अभी लगा है, दूसरा लगवाना 28 दिन के बाद, 28 दिन के बाद ही लगना है ना दूसरा, तो पहला डोज अभी, और जिसको जिस दिन पहला डोज लगे उसके 28 दिन के बाद दूसरा डोज लगवाना है। अभी दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल रहा है, केस आ रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि वो जिनको संक्रमण होता है वो उतना गंभीर नहीं होता जितना दूसरी लहर में हो रहा था, क्योंकि उनने वैक्सीन लगवाई है। अभी अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि वैक्सीन की सुरक्षा अपने पास है। वैक्सीन हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, और जब हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तो हम वायरस का मुकाबला कर लेते हैं, हमारा शरीर मुकाबला कर लेता है, इसलिए होता तो है संक्रमण, लेकिन उसके कारण हम गंभीर होने से बच जाते हैं, कई को होता भी नहीं है, और हुआ तो भी ऐसा होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में ये वैक्सीनेशन का अभियान फिर प्रारंभ किया है। मध्य प्रदेश में हमारी कोशिश है बेटे बेटियों कि हम इसी महीने में 20 तारीख तक ही अपने 15 से लेकर 18 साल के बेटा बेटियों को वैक्सीन लगा के उनकी जिंदगी को सुरक्षित बना दें, उनको सुरक्षा चक्र दे दें। इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, जिला प्रशासन, महाविद्यालय, विद्यालय के हमारे टीचर्स, सबके सब तैयार है। पहली प्राथमिकता आई है कि हम वैक्सीनेशन करके अपने बच्चों को सुरक्षित कर लें। तुम्हारी सुरक्षा ही हमारा लक्ष्य है, ताकि कोरोना का कोई असर, कोविड का कोई असर ना पड़े। इसलिए मेरे प्रिय बेटा बेटियों, जहां से भी मुझे सुन रहे हो, देर मत करना, ये टीका जरूर लगवा लेना। स्कूलों में जगह जगह सेंटर बने, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्थाएं लगवाने की, और जो बेटे बेटी खुद लगवा रहे हैं उनकी ड्यूटी है कि अगर किसी ने नहीं लगवाया हो तो उनको भी वो प्रेरित करें, उनको भी लगवाएं। वैसे अपने यहां जो वैक्सीनेशन है प्रथम डोज 18 से ऊपर की उम्र वालों, वो लगभग 95% लोगों को लग चुका है, 95%। और सेकेंड डोज में भी मध्यप्रदेश हिंदुस्तान में नंबर एक के स्थान पे है, हम लगभग 92% लोगों को लगा चुके। और ये एक काम मैं आपको बता रहा हूं, आपको सौंप रहा हूं, भांजे भांजियों को सौंप दूं, बताऊं, अगर ये पता चले कि किसी ने वैक्सीन अपने घर में, मोहल्ले में, आसपास नहीं लगवाई, तो उससे जरूर ये कहना कि वैक्सीन लगवाना जरूरी है, प्रेरित करना ताकि वो वैक्सीन लगवा ले, बिना वैक्सीन के कोई ना रहे, सबको ये सुरक्षा चक्र मिल जाए। एक अपील करना वैक्सीन लगवाने की, खुद भी लगाएंगे, कोई रह गया तो उसको भी लगवाएंगे। और विशेषकर ग्राम पंचायतों में जो मुझे सुन रहे हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के हमारे साथी, मेरे बेटा बेटी बुजुर्ग अगर कोई रह गए हो तो कृपया करके ये वैक्सीन जरूर लगवा लेना, ये जरूरी है। और दूसरी चीज, मैंने कहा है कि हम बाकी गतिविधियां भी नहीं रोक रहे, भगवान करे रोकना भी ना पड़े, कॉलेज स्कूल चलते रहे,
लेकिन जरूरी है कि मास्क की सुरक्षा हमारे साथ रहे, मास्क जरूर लगाए रखें। और इसलिए मैं अपील हाथ जोड़ के करना चाहता हूं कि कृपया करके मास्क लगाना अपने जीवन की आदत बना लें। जब तक ये वायरस है, ये वैक्सीन और मास्क दो चीज लगी, मास्क तो लगा रहेगा, वैक्सीन तो एक क्षण में लग जाती है, तो हम बहुत कुछ सुरक्षित होंगे, क्योंकि हम अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने बेटे बेटियों को, अपने भाई बहनों को कष्ट और संकट में नहीं देखना चाहते। और वेंटिलेटर के बजाय मास्क लगाना ज्यादा अच्छा है, इसलिए मास्क को स्वीकार कीजिए। अनावश्यक भीड़ ना हो ये कोशिश जरूर करेंगे, और जल्दी से जल्दी अपने बेटा बेटियों का भी वैक्सीनेशन का काम पूरा करके उनको सुरक्षित जीवन देंगे, सुरक्षित माहौल देंगे, ताकि उनकी पढ़ाई लिखाई जारी रह सके। और सभी बच्चों से मेरी अपील है कि वैक्सीनेशन खुद भी करवाएं, और जो मित्र हैं, साथी हैं, उनको भी प्रेरित करके सबको लगवाएं, ताकि अपने पूरे प्रदेश को हम सुरक्षित कर लें। यही मेरी अपील है। बोलिए सब साथ देंगे इसमें, तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, लेट दे रहा हूं, लेकिन नए साल की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आप सबके जीवन में आए, आप स्वस्थ रहें, खूब पढ़ें, खास स्कूल डाले, यहां तो मेरिट में आते ही हैं, आते कि नहीं आते, इस बार भी आएंगे ना, इसलिए पढ़ाई में कोई बाधा ना हो, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और प्रदेश को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद, नमस्कार।